जिससे तुम इतना डर रहे हो वो मेरा मित्र है। ये महावीर के भाव। उन्होंने उस सर्प को, जिसके लिए ये लोग कहने को आए कि बड़ा भयानक है, महावीर उसी के पास जा रहे हैं और उस सर्प को अपना मित्र बता रहे हैं। ये जो मित्रता का भाव है यही अद्भुत है, विलक्षण है। इसमें मैत्री है, अपनत्व है, मिलन का भाव है। और बंधु वो कदाचित यहां भय होता तो फिर मैत्री नहीं हो सकती थी, फिर तो शत्रुता होती, फिर तो और ही तरह के भाव होते। महावीर ने कहा वह सर्प वह तो मेरा मित्र है। सर्प कभी किसी का मित्र हुआ है? अग्नि और सर्प ये किसी के मित्र नहीं होते। उन्होंने भी यही कहा, अरे बाबा तुम्हें मालूम नहीं है वो बहुत भयानक सर्प है, उसका काटा हुआ बचता नहीं है। और सुनो, और सर्पों के डंक मार देने से आदमी मरता है, ये तो दृष्टि विषय है। दूर से ही जब यह देखता है किसी प्राणी को, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, और तो क्या, पेड़ पर अगर पक्षी बैठा हुआ है उसको वह देखता रहे देखता रहे, वो भी नीचे आ जाता और मर जाता। दृष्टि विष सर्प है, इधर जाने की भूल मत कर। नहीं, मुझे कोई भय नहीं उससे, जब वो मेरा मित्र है मैं तो उसी से मिलने जा रहा हूं। जाओ जाओ, अगर ऐसी बात है तो मरो। हमने तो इसलिए तुम्हें कह दिया कि वहां मुसीबत में कहीं तुम ये कहते, किसी ने बताया नहीं, कोई बता देता इधर क्यों आता, और फिर तुम दुख पाओ, मरो वहां वहां जा करके। हमने तो इसलिए आपको बताया है, पर याद रख लेना वापस नहीं आ सकोगे, कोई बात नहीं। मैं तो अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। उन गवालों ने रास्ता छोड़ दिया और महावीर आगे बढ़ चले। बंधुओं, आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले ही कहा हमारी बहुश्रुत ये कथा है महावीर के जीवन की। वो सर्प, उसका नाम चंड कौशिक था। चंड शब्द का अर्थ होता क्रोधी, चंड शब्द का अर्थ होता है क्रोधी, और कौशिक नाम का अर्थ होता है सर्प। जैसे हम बोलते हैं चंड कौशिक सर्प, ये हम डबल करके बोल रहे हैं। चंड कौशिक अर्थ ही है क्रोधी सांप, अर्थ ही है इसका। ये तो बोलने में, चूंकि कौशिक हम समझते पता नहीं क्या शब्द है क्या है, कौशिक के माने सर्प होता है। ये बात, ये घटना उस चंड कौशिक की। महावीर पूर्ण अभय भाव से उस ओर जा रहे थे। उनके मन में कोई डर नहीं था, न सर्प का डर था, न काटे जाने का डर था, न विष का डर था, न मृत्यु का डर था। वे पूर्ण अभय थे। महावीर आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे उस गहरे वन में आगे को बढ़ते गए, यहां भी बदबू आने लगी। स्थान स्थान पर कंकाल पड़े हुए थे, सड़े हुए, गले हुए, जो सूचित कर रहे थे कितने सारे पशु जगह जगह, और कहीं कहीं मनुष्य।
उनके शव कहीं सूखे हैं, कहीं सड़े हैं, कहीं गले हैं, पड़े हुए हैं, ये सब उस सर्प की कथा को कह रहे हैं। ये प्राणी और मनुष्य यहां आए थे, सर्प के द्वारा डस लिए गए, मर गए, वो जगह जगह पड़े। इन सब को देख करके महावीर को कोई भय नहीं लगा, मृत्यु का, सर्प का, विष का कोई भय नहीं लगा, वे आगे बढ़ते गए। और चलते हुए आगे बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जो सर्प की बांबी थी, जहां वो रहता था। उन्होंने जान लिया यही वो जगह है जहां वह सर्प रहता है, वही जगह है। महावीर वहां पहुंचे और उस बांबी के पास कहीं निकट में वहीं जाकर के खड़े हो गए और ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में खड़े। बंधु हो, एक एक बात बड़ी समझने की, जाते उपदेश नहीं दिया, उसको कोई संबोधित नहीं किया, ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान में जाकर के स्थित हो गए। ये जो ध्यान में स्थित होना है, इससे उनके चारों ओर एक विशेष प्रकार की आभा और आभा मंडल निर्मित हो जाता है ध्यान के चारों ओर, जिसके ऊपर बाहर से सहज में प्रहार नहीं होता। ऐसी कथाएं हैं, ध्यान में खड़े हुए के ऊपर शस्त्र से प्रहार किया और विफल हो गया। महावीर यहां आकर ध्यान में स्थित हो गए। हर प्राणी के शरीर से गंध प्रवाहित होती है, हर प्राणी की, मनुष्यों की अपनी गंध होती है। और थोड़ा बता दूं, इस गंध का संबंध हमारे भावों से भी होता है। हमारे भाव अगर दूषित हैं तो शरीर से दुर्गंध प्रवाहित होगी, हमारे भाव अगर उज्जवल और निर्मल हैं तो शरीर से सुगंध प्रवाहित होगी। महावीर के शरीर से बहने वाली सुगंध की चर्चा तो मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित होती थी। महावीर खड़े हो गए, बांबी के पास में जाकर खड़े हो गए, उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो रही थी। सर्प उस समय बांबी में था, उसे गंध आई, बड़ी अच्छी गंध आई। ये क्या, और इन प्राणियों को तो विशेष रूप से गंध आती है। बाहर कौन है, कौन आया, ये हमारे भाषा के शब्द हैं। उसने तो अपने उस जन्म के अनुसार जो भी सोचा, पर ये प्राणी जान लेते हैं कि कोई दूसरा प्राणी है। दूसरे प्राणी की गंध को पा करके उसे क्रोध आया, वो कुपित हुआ और वह अंदर जो अपने बामी में पड़ा था वहां से वो सरकना शुरू हुआ, फुसफुसाहट के साथ में सरकना शुरू हुआ। इन प्राणियों को भय भी बहुत होता है, जो दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं वे स्वयं में भयभीत होते हैं, लेकिन ये उनका स्वभाव बन गया होता है, क्योंकि क्रोध ही होते हैं, काटना उनका स्वभाव बन जाता है। सर्प बाहर आया, उसने अपना मुंह बाहर निकाला, देखा एक व्यक्ति खड़ा है, एक मनुष्य खड़ा है, और देखते ही
उसे क्रोध आया, क्योंकि उसे भी भय होगा, हो सकता है ये मुझे मारने आया है, ये उसके अंतर का भाव हो सकता है, ये क्या उसने सोचा है। महावीर को देखा, क्रोध में भर गया, क्योंकि उसका अंतर क्रोध ही था, क्रोध से भरा हुआ था। सर्प का पहला जो प्रहार होता है, या उसका जो प्रहार था वह फूंककार था, फूंक मारना था। सर्प बहुत तीव्रता और तेजी के साथ में फूंककार करता है, उसने फुफकार करना शुरू किया और उसके भीतर से निकलने वाली वो वायु, प्राण वायु इतनी विषैली होती थी, किसी भी प्राणी को स्पर्शित होती या उसके श्वास से अंदर चली जाती वो वहीं मर जाता, इतनी विषैली और जहरीली होती थी। उसने फुत्कार करना शुरू किया, जोर जोर से उसने फुत्कार किया, उसके भीतर की विषैली वायु बाहर निकलनी शुरू हो रही थी, जैसे कि धुआं और धुंध किसी भी चारों वस्तु के चारों ओर से ऐसे वातावरण बना लेते हैं। उसके फुत्कार ने महावीर के चारों ओर धुएं की तरह से वातावरण बना दिया, जैसे कि धुएं से महावीर घिर गए हों। विषैली वायु महावीर के चारों ओर, उनके श्वास वो श्वास दे रहे थे, वहां भी वह विषैली वायु थी, लेकिन महावीर पुरुष का असर नहीं हुआ। एक और सर्प है, एक और मुनि है। सर्प विष का प्रतिनिधित्व करता है और मुनि अमृत स्वरूप हैं और वे अमृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। महावीर अमृत पुरुष थे, धन्य हो उन महाप्रभु को हम नमन करते हैं और प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। महावीर शांत और प्रशांत खड़े थे, उन्हें कोई भय नहीं। सर्प से बात क्या है, विष से काटे जाने से मृत्यु तो होती है, पर अनेक जीव और अनेक लोग भय से मर जाते हैं, भीतर में डर होता है। महावीर के अंतर में कोई भय नहीं था उस सर्प के प्रति, और इसके साथ कोई दुर्भावना नहीं थी, ये निकलाया दुष्ट प्राणी, ये आ गया, ऐसा कोई भाव नहीं था। महावीर तो प्रेम का संदेश लेकर आए थे, उसके लिए भी, सबके लिए भी उनके पास प्रेम था और अनंत प्रेम था। जगत को, हर प्राणी को वे प्रेम बांटा करते थे, उनके लिए कोई दूसरा शत्रु वैरी कोई था ही नहीं, उनके लिए सब अपने थे। महावीर प्रेम और प्यार के साथ में उसे देख रहे थे। फूंककार करते हुए वो थक गया, जैसा पहले होता था, कोई भी प्राणी उसके वायु के उसमाने के बाद वो गिर पड़ता था, उन पर कोई असर नहीं। सर्प की अपनी भावनाएं, अपनी सोच जो भी होंगी वो हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, वह असफल रहा, उसका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध ही आदमी असफल हो जाता है तो उसका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है, फिर तो वह जिसे आम बात है गाली गलौज पर उतर जाता है, और फिर भी असफल हो जाए मारपीट पर उतर जाता है। इस बार उसने एक और प्रयोग किया और वह यह है, जिस किसी प्राणी को, पक्षी को, किसी भी जीव को वह अपलक देखने लगता था, देखता रहता, ये दृष्टि विष सर्प है,
इसके देखने भर से ही विष का संचार हो जाता। वो देखता रहा और ख्याल था ये गिर पड़ेगा मर जाएगा, देखता रहा, आंखें थक गई, कुछ नहीं हुआ। महावीर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। महावीर तो उसे स्नेह से देख रहे थे, प्यार से देख रहे थे। प्यार की बात ही कुछ और होती है, क्रोध की बात कुछ और होती है। और आज भी ये तथ्य है कि जो अपने भीतर में क्रोध नहीं रखते, स्नेह और प्यार रखते हैं, ये विषैले प्राणी भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। महावीर उसके प्रति स्नेह भाव रखे हैं, प्रेम का संदेश लेकर आए, नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। सर्प का क्रोध और भी बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब उसने कुछ और ही सोच लिया। और वह बामी से कुछ बाहर आया, उछला और उछल करके उसने महावीर के चरण के ऊपर, अंगूठे के ऊपर डंक मार दिया। ये उसका आखिरी प्रहार था। वो तो इतना विषैला था, इतना विष उसमें था, जिसको भी डंक मार देता वो वहीं ढेर हो जाया करता। उसने डंक मारा महावीर के चरण पर, चरण के अंगूठे के ऊपर, अपने तीखे दांत उसने गड़ा दिए, डंक मारा। और जैसे उसने अपना सर उठाया, महावीर के चरण से बंधुओ वहां कहते दूध की धारा निकली थी, दूध की धारा। उनका रक्त होता ही श्वेत है, इस अर्थ में दूध की धारा है यह। उनका रक्त श्वेत था, वहां से रक्त बह गया।